नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जातक के ऐसे क्या कॉम्बिनेशन हमको कुंडली में देखना है जिससे जातक का ये पता लग सके कि उसे धन की प्राप्ति नहीं होगी, वो कर्जे में चला जाएगा। इस तरह से जो भी योग बनते हैं वो हमको कुंडली में किस तरह से देखे, तो हम यहाँ मेष लग्न के जातक हैं, उनकी कुंडली का हम विश्लेषण करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको कर्जा, पावर्टी और लॉस ऑफ मनी को कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं, ये जानने के लिए हमने एक मेष लग्न के जो जातक है उनके एक उदाहरण के लिए कुंडली ली हुई है। तो हम जानने का प्रयत्न करेंगे, हमारा छोटा सा प्रयास है, वो हम देखने की कोशिश करें जो भी जातक और जातिका हैं, क्या आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं जिससे कि कर्जा हो सकेगा और हम गरीब हो सकेंगे, हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, ये सब किस तरह से हम जानेंगे ये देखने की हम कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें लग्न हमारा हमेशा मजबूत होना चाहिए, जो हमेशा हम बात करते हैं हमारा व्यक्तित्व है। उसके बाद जो हमको देखना है इसमें दूसरा भाव है जो जमा पूंजी का है, दूसरा भाव देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो 11वां भाव है हमें जो गेन कराता है, लाभ कराता है, उसे देखेंगे। इसके बाद में गुरु की स्थिति को देखेंगे, गुरु जो कि हमको धन देता है, अगर वही अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो हमको धन नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ही शुक्र भी हमें धन देता है, तो गुरु शुक्र की देखना होगा कि वो कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो हमें धन नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमें छठे, आठवें, 12वें भाव, छठा भाव जो हमारा कर्जे का है और 8वां भाव अचानक जो हमारे खर्चे होते हैं उसके लिए है और 12वां भाव जो हमें खर्च कराता है, तो छठे, आठे, 12वां भाव जो है हमारे त्रिक भाव है, इनका अगर इफेक्ट दूसरा भाव और 11वां भाव पे आता है तो हमें गरीब हो सकते हैं, हमारा जमा पूंजी खत्म हो सकती है और हमारा जो भी पैसा वो खर्च हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हमें देखना चाहिए। तो आप सर्वप्रथम देखें कि लग्न अगर आपका यहाँ मंगल बनता है और ये इसकी स्थिति अगर कुंडली में आप जो मेष लग्न के हैं अगर वो कुंडली छठे, आठे, 12वें भाव में चले जाएगी, वो छठे, आठे, 12वें भाव में चले जाए या कुंडली में वो मंगल नीच का हो, अस्त हो, छठे, आठे, 12वें अस्त हो, वक्री हो तथा उन पे राहु, शनि आदि का प्रभाव हो तो आपका लग्न कमजोर हो जाता है। तो लग्न का संबंध भी अगर 12वें भाव से बन रहा है खर्च के भाव से तो सब वो अच्छा योग नहीं है, उसमें भी सब खर्च हो जाते हैं। और लग्न का संबंध छठे भाव में मंगल यहाँ बैठे यहाँ अपनी राशि में तो बैठे तो भी वो अच्छा भाव नहीं, खड्डे का भाव है वो अच्छा नहीं है। इसी तरह मंगल की स्थिति भी कुंडली में छठे, आठे, 12वें भाव में और नीच का मंगल अगर बैठता है, नीच का मंगल आपको 4 नंबर में नीच का हो जाता है, अगर वो सूर्य से अस्त हो, वक्री हो, तो ये लग्न कमजोर हो गया। इसके बाद में धन भाव का देखें कि धन भाव का जब भी स्वामी छठे में, आठे में और 12वें भाव में बैठेगा और वो जैसे शुक्र है, जैसे यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और वो शनि के साथ, केतु के साथ ऐसे प्रभाव में बैठेगा तो आपका धन जो है वो ये 12वें भाव में खर्च कराने के घर में हो गया तो ये यहाँ से सब खर्चा हो जाता है। अगर वो छठे भाव में बैठेगा, अगर मान लो शुक्र यहाँ जैसे राहु और इनके प्रभाव में हो, शनि के प्रभाव में हो, तो आपको ये कर्ज हमारा बढ़ जाएगा और कर्ज चुकेगा नहीं। तो इनका अगर राशि परिवर्तन भी हो, शुक्र यहाँ बैठ जाए, शुक्र यहाँ जो बुध यहाँ बैठ जाए तो छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये भी राशि परिवर्तन भी अच्छा नहीं है, इसके कारण भी आपको जमा पूंजी जो है वो कर्ज में चली जाएगी और आपका कर्ज बढ़ता जाएगा। और शनि के कारण देखता, शनि इसका कारक है, शनि मंगल अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको ये मान के चलिए कि
इसके कारण जो भी खर्चा हो, शनि के कारण हम कर्ज जो, अगर ये केतु के प्रभाव में है और शनि भी इस तरह के प्रभाव में आ जाने से, और लाभ का स्वामी भी शनि बनता है यहाँ पे, वो भी खर्चे में बैठा हुआ है और यहाँ कर्जे वाले भाव को देख रहा है, तो हमारा जो कर्जा है शनि के कारण बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह के योग अच्छे नहीं है। ऐसे ही अगर लाभ भाव का स्वामी शनि है, वो 12 भाव में जैसा है चला गया है, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 12 भाव खर्च का भाव है, तो जितना भी हमारा लाभ प्राप्त होगा वो खर्चे में चला जाएगा। खर्च को बहुत से कारणों से हो सकता है, वो मेन खर्च है। ऐसे ही अगर इसका स्वामी अगर 6ठे भाव में जाएगा तो कर्जे के लिए खर्च हो जाएगा, यहाँ पर कर्जा आप ले लेंगे और वो चुप ना नहीं पाएंगे। ऐसे 11 भाव का स्वामी शनि अगर 8वें भाव में चला जाएगा तो अचानक ऐसे खर्चे आएंगे दुर्घटना आदि के द्वारा, तो हमें वो खर्चे में चला जाएगा। तो लाभ और जमा के लाभ और जमा पूंजी के भाव के स्वामी यानी दूसरे भाव का स्वामी और 11 भाव का स्वामी 6ठे 8ठे 12 भाव में बैठते हैं, और वो शनि के प्रभाव में केतु और राहु के प्रभाव में यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से होगा तो हमें जो भी हमारे लाभ हैं वो सब या तो कर्जे में चले जाएंगे, अचानक खर्चे में चले जाएंगे, या फिर खर्च में सब चला जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राहु क्या करता है। राहु पैसे देता है परंतु वो खर्चा भी बहुत बढ़ा देता है। तो राहु यहाँ बैठ के भी यहाँ बैठे या यहाँ बैठ जावे, 6, 8, 12 में राहु बैठ जाएंगे तो वो भी आपको खर्चे बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देखिए कि गुरु जो हमें इसका कारक है, गुरु की स्थिति भी अगर 6ठे 8ठे 12 भाव में बैठती है तो भी हमें ये भाव में भले विपरीत राजयोग बनाए यहाँ से बैठ के इधर बैठ के, परंतु 6, 8, 12 में बैठने के कारण उसका प्रभाव कम हो जाता है और हमारे को जो पैसा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसे ही बृहस्पति की और शुक्र की 6ठे 8ठे 12 स्थिति भी अच्छी नहीं है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं शुक्र की स्थिति या बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, शत्रु राशि में भी हो जाता है, इस तरह की स्थितियाँ अच्छी नहीं कहलाएगी। तो हमने देखा कि अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो हमें क्या देखना है, हमें देखना कि लग्न की स्थिति जो मंगल है, मंगल भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो वो कर्जा करा देता है और हमें उसका जो पैसा जो हमें देना चाहिए वो दे नहीं पाए। इसी लग्नेश का 12 भाव में बैठना अच्छा नहीं है। 12 भाव का स्वामी का राशि परिवर्तन अगर दूसरे भाव से होता है, धन भाव से, तो ये खर्चा करा देता है। या दूसरे भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठता है, जैसे यहाँ बैठा हुआ है शुक्र, वो भी अच्छा नहीं है। इसी तरह का लाभ भाव का स्वामी भी अगर खर्चे में बैठ जाता है तो खर्चा करा देता है। लाभ भाव का स्वामी भी 6, 8, 12 6ठा भाव 8ठा 12 भाव में बैठने से सब जो यहाँ शनि बन रहा है तो सब ये खर्चे में डाल देगा और आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी मेष लगने के जातक हैं उनका जो कर्जा है, अचानक खर्चे हैं या बहुत तरह के दूसरे खर्चे हैं, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि खर्चे होंगे तो आपको आपकी जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा और आने का सोर्स बंद हो जाता है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भी 6ठे 8ठे 12 भाव में चला गया और जमा पूंजी का स्वामी भी अगर ऐसा बैठ जाता है और ये ग्रह अस्त होते हैं, नीच के होते हैं और इन पे शनि राहु केतु का प्रभाव, जैसे धन भाव का स्वामी यहाँ 6ठे भाव में बैठे है उस पे शनि का केतु का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, तो वो हमें कर्जे में डाल देता है। इसी तरह से यहाँ बैठेगा तो शुक्र यहाँ बैठने से वो राहु भी का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो हमें जो भी अचानक खर्चे में एक्सीडेंट में खर्चे में डाल देगा। ऐसे यहाँ पे 12 भाव में सब तरह के खर्चे हमारे जो होते हैं उसका होता है। तो अगर लाभ और जो भी लाभ और जमा पूंजी का स्वामी अगर इन यहाँ भी बैठेगा तो सब किसी तरह का भी खर्चा हो के हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मेष लग्न के जातक को किस तरह से अपने कुंडली में आप देख सकते हैं। हमने बताया है कि पहले जमा पूंजी का भाव, दूसरा भाव देखेंगे, लाभ का भाव को देखेंगे। अगर इनका इनकी युति भी अगर 6ठे 8ठे 12 भाव में बैठती, मान लो शनि और शुक्र यहाँ बैठते हैं, शनि शुक्र यहाँ बैठते हैं, जैसे शनि शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो भी ये हमें
खर्चे में डाल के हमारा पैसा सब जमा पूंजी और लाभ पूरा खत्म करवा देगा। इस तरह आप अपने कुंडली में शनि शुक्र की युति यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हो सकती है। तो अब हमें ये सब जान लिया तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमने देखा कि दूसरा भाव और 11वां भाव और बृहस्पति और शुक्र जो कि हमें पैसा देते हैं, ये सब की स्थिति अगर छठे आठे 12वां भाव में नीच की आस की होने से और उन पे पाप प्रभाव होने से आपको ये खर्चे हो जाते हैं जो कि आपको दरिद्र बना देते हैं, आपको कर्जे में डाल देते हैं और पैसा हमारा पूरा खत्म हो जाता है। तो उपाय के चोर में हमें क्या करना है? पहली बात तो लग्न को लग्न आपका मुख्य ग्रह है, उसको मजबूत करें। इसलिए मंगल है, मंगल इसका कारक भी है। शनि मंगल जो कारक हैं छठे भाव के, तो इनके जो हमें शनि और मंगल को मजबूत करना चाहिए। इसलिए मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों के जो भी है ओम हम हनुमते नमः का पाठ करना चाहिए, इससे कि शनि और मंगल के बलवान करने के लिए उनके मंत्रों के जाप करें। ओम सम चलाए नमः मंगल के, ओम अंगार काय नमः के मंत्र के जाप 108 बार प्रतिदिन करना पड़ेगा। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उनके जो वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर मंगल छठे आठे 12वें भाव में बैठ जाता है तो उनके जो दान की वस्तु है, मसूर की दाल है, गुड़ है, चंदन है, लाल वस्त्र है, इस तरह की चीजों का अच्छे ब्राह्मण को दान करना चाहिए तो जिससे मंगल बलवान हो। हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हनुमान जी को मंदिर में जाके वहाँ पे आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या घर पे प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, इसलिए मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। शनि के लिए शनि की चीजों का दान कीजिए। शनि की जो चीजें हैं वो है लोहा है, उड़द है, तिल है, सरसों का तेल है, वो शनि के उपाय करना चाहिए जिससे कि आपका लाभ भाव मजबूत हो सके। तो शनि का और मंगल के उपाय करते रहना चाहिए तथा आपके इष्ट देव यहाँ सूर्य जी है तो सूर्य जी की आराधना करना चाहिए, सूर्य जी को जल चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से मुख्य ग्रह मंगल और शनि और सूर्य और बृहस्पति और शुक्र, इनके आपके मंत्रों के जाप करो। इनके जो भी जिनकी भी दशा अंतर, जब हमारे शुक्र की दशा चले या शनि की दशा चले या मंगल की दशा चले या इनकी अंतर दशा चले और बुध है इसकी दशा अंतर दशा चले, तो हमें इस तरह के जो प्रभाव है कुंडली में जो ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है वो हमें अच्छे प्रभाव में नहीं है। 6-8-12 में बैठे हैं, शुक्र 6-8-12 में बैठा है, शनि 6-8-12 बैठा है, इनकी दशाएं अगर चल रही है तो उस समय हमें शनि और शुक्र के मंत्रों के जाप करना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा कि अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं तो आपको ये गरीबी की ओर ले जाएंगे, आपको कर्जे की ओर ले जाएंगे और आपका पैसा सब खर्च करा देंगे। तो इस तरह से आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके देखिए कि आपका जमा पूंजी का भाव, दूसरा भाव लाभ का भाव जो है वो शनि है, उसकी छठे अठे 12वें भाव में स्थिति अगर बनती है, वो नीच के आस्त है या कुछ वक्री है, तो इस तरह की अगर कंडीशन कुंडली में कहीं पे भी बन रही होगी तो आपको शुक्र और शनि को बलवान करना चाहिए, उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा, देखो यहाँ शुक्र नीच का हो जाता है, तो ये देखिए मंगल है 4 नंबर में नीच का हो जाता है, मंगल 4 नंबर में ऊंच का हो जाता है। इस तरह से आप अपने कुंडली में विश्लेषण करके देखिए कि मंगल की स्थिति अगर अच्छी है, यहाँ पे ऊंच का है तो अच्छा है और यहाँ नीच का हो जाता है वो अच्छी स्थिति, नीच की स्थिति अच्छी नहीं कहलाएगी। बृहस्पति भी जो है ऊंच का होगा तो ठीक है, परंतु यहाँ नीच का हो जाता है वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो इस तरह आपने देखा कि मंगल यहाँ नीच का हो जाता है और जो गुरु है वो यहाँ पे नीच का हो जाता है, तो ये नीच की स्थितियाँ अच्छी नहीं है। तो आपको उनके मंत्रों के जाप करके उनको
ठीक करना चाहिए। तीसरा, आपने देखा कि जो भी मेष लग्न के जातक है और जातिका है, अपनी कुंडली में इस तरह के जितने ज्यादा योग बनेंगे उतना आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जितने कम योग बनेंगे उतना ठीक है। तो उस तरह उनके उपाय करके आप उनको मजबूत करके अपने प्रभाव को आप उनके कम कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलाइजर हौसला चौरे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसको जानकारी दीजिए। आप मेरे से टेलीफोन से परामर्श चाहते हैं तो आप मामूली दक्षिणा दे के परामर्श ले सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए आपने मेरा वीडियो देखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।